नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के गदरपुर में अरविंद पांडे जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आने लगा है, वैसे वैसे भाजपा कार्यकर्ताओं में सक्रियता बढ़ते ही दिखाई दे रही है। भाजपा हित में वोट डालने के लिए जनसंपर्क डोर टू डोर प्रारंभ हो चुका है, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव जी के निवास स्थान पर पहुंचे। विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर वासियों को भाजपा के हक में वोट डालने को कहा, क्योंकि भारत को फिर से भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट का गदरपुर विधानसभा में कार्यक्रम लगा हुआ है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सानूर अली की रिपोर्ट। चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव अभियान में पूरी पार्टी लगी हुई है। उसी के क्रम में आज हमारे राजीव पटनाया जी हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता है, इनके द्वारा आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया, बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया गया। सब लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नाम पे कमल के फूल पर वोट डालने की अपील की है, जिससे हमारे प्रत्याशी अजय भट्ट जी जीत के संसद पहुंचे और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनके हिंदुस्तान को विश्व का मानचित्र पे इज्जत बनाएंगे। इस उम्मीद से सब लोगों से हमने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की, हम प्रत्याशी हैं, स्वाभाविक है, जनता के बीच में आना उनका जिम्मेवारी है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानसभा में सब जगह कार्यक्रम लगाए, लगभग 16 कार्यक्रम है, प्रत्येक जगह माननीय भाग्य प्रत्याशी अजय भट्ट जी जाएंगे और जनता के अंदर बड़ा उत्साह है, सब लोग भाजपा को वोट डालेंगे। जो इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर कमल का फूल बटन दबाकर माननीय अजय भट्ट जी को हमारे नैनीताल लोकसभा का MP और माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। हम लोगों का प्रयास होगा कि कल का दौरा गदरपुर के इतिहास में ऐतिहासिक हो, जिससे जन जन के प्रिय नेता माननीय अरविंद पांडे जी, अजय भट्ट जी और नरेंद्र मोदी जी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। पंजाब जिला के कीली नौ आबाद में गुरु दर्शन के बाद संगता शुक्राना किया गया और आगे लोगों ने भक्ति गीत गाया, जिसमें दीवान लगाई गई और अर्मत सकने वाले सरेपा को सम्मानित किया गया। पंजाब से हमारे संवाददाता सुखदेव तीरथ की रिपोर्ट। देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया, मैं तुहाडा छोटा वीर तीर्थ सनेर। अज जीरा दे नाल दे पिंड कलीनोबाद विखे समागम करवाया गया, आओ गलबात करते हैं आपां बाबा जी दा। पहले मैं सारिआं नूं प्यार सहित फतेह बुलाउणा, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की अपार बख्शिश होई महापुरशां दे अस्थानां ते, धन धन बाबा वड भाग सिंह जी सोढी पातशाह, जिन्हां दे होलियां ते होले मोहले दे गुरधामां दे दर्शन करके आईआं संगतां, जिन्हां दा अज शुकराना समागम रख्या गया। शुकराना समागम दे विच सतगुरु की अपार बख्शां नाल बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां। कोटो कटान धन्नवाद, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, जिन्हां ने अपने चरणा कमलों नाल प्यार बख्शिया संगतां नूं। जिथे 10 दिन की उत्थे लंगरां की सेवा हुई, उत्थे नाल इत्थे भी सतगुर ने कृपा की, मेहरां कीतियां, अटुट सतगुर के लंगर वरताए गए। नाल जिथे जल पाणी का लंगर वरताया गया, उत्थे नाल सतगुर की कृपा दे नाल सुखनी साहब, जपजी साहब मूल मंत्र के पाठ किए गए, गुरमंत्र के जाप किए गए, सतगुर के प्यार विच अर जस किया गया, जिस विच बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां। मैं सब का धन्नवाद करदा, जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़ों चल के आईयां, सब का धन्नवाद। गुरपते बुलाउणा जी, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बलिया के भाजपा नेता विनोद कुमार तिवारी ने 5 पर अज्ञात मुकदमा दर्ज किया, आदर्श आचार संहिता को लेकर। गोपनीय चैनल के माध्यम से गांव में दबंग किस्म के व्यक्तियों के बारे में पता कराया जा रहा था कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो कि आचार संहिता का बाधित कर सकते हैं। बलिया में जिलाधिकारी भवानी सिंह खौरौत तथा तहसीलदार के साथ अभद्रता भाजपा नेता विनोद तिवारी द्वारा DM आवास के चैम्बर में करने और तहसीलदार सदर गुलाब चंद्रा के साथ हाथापाई किया, जिसमें आरोपी भाजपा नेता को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलिया से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बलिया से SK सिंह।
आज डीएम तथा तहसीलदार के साथ एक दबंग भाजपा नेता ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आइए आपको उसे रूबरू कराते हैं। देखिए श्री विनोद तिवारी हैं और उनके खिलाफ करीब 12 मुकदमे हैं। हम लोगों को निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस गांव में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो उसी में हम लोग अपने गोपनीय चैनल से जानकारी करा रहे हैं, छानबीन करा रहे हैं। तो एक ही गाँव के पूर्व प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान नहीं है, तो इनका नाम बार बार सामने आ रहा था। संबंधित थाने से इनके विषय में इनका आपराधिक विवरण मंगाया गया, तो थाने से रिपोर्ट आई, लगभग 12 मुकदमे उनके खिलाफ हैं, 12 या 14 मुकदमे। और प्रधान के कार्यकाल के दौरान के भी कुछ प्रसंग हैं जो अभी निस्तारित हैं, कुछ वित्तीय अनियमितता के प्रकरण थे जिनमें अभी तक वसूली कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो ये सब शिकायत मिल रही थी। तो आज ये आए जब उनको पता लगा कि इस तरह से हम लोग छानबीन कर रहे हैं, तो ये लोग आए और अपना कोशिश करने लगे कि हम लोगों को किसी तरह से ये अपने पक्ष में कर लें कि सब इन्होंने, ये बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है और इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। और इसी क्रम में ये भावावेश की स्थिति में आ गए और भावावेश के बाद जो है उठपटांग बातें करने लगे, अभद्र थाने लगे, तो ऐसी स्थिति में तत्काल संबंधित थाने को कोतवाल को सूचित किया गया और उनको 151 में चालान किया गया। सर क्या मैंने क्या कोशिश की है, अभद्रता की है, अभद्रता की है किसके साथ? सर मेरे साथ भी की है, तहसीलदार साहब के साथ भी की है, उनके साथ तो हाथापाई करने की कोशिश भी की है। जी सर, उनका सीधे तौर पर इस तरह का दुर्व्यवहार करना क्या सही है? इस तरह का वो दबंग व्यक्ति है, वो जाते जाते भी उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ये देंगे, जाते जाते भी वो कह करके गए हैं कि हम तो 2 महीने जेल में, पॉलिटिकल आदमी है और आप बलिया के नेताओं को जानते नहीं हैं, वो सब पता है। सर वो उनका सीधे तौर पर कहना था कि डीएम साहब उनको फोन करके, उनके कार्यालय से फोन आया था, फोन करके वो बुलाए थे, फिर मैंने सर को फोन किया, उन्होंने कहा कि 4 बजे करीब में आवाज़ पा जाएगी। जब मैं डीएम साहब का आवाज़ पे गया उनके चैम्बर में, तो मैं बैठने की कोशिश किया तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं बैठना नहीं है आपको, खड़े रहिए, और हमारे से डीएम साहब ने बदसलूकी किया था। ये भी कैसे बात, ये बात तो उनकी सही है कि मैंने उनको बैठने नहीं दिया गया, क्योंकि आज वो अपराधी के रूप में यहाँ आए थे, उनके खिलाफ 12 मुकदमे हैं। मैं यही उनको समझा रहा था, मेरा पर्पज ये था कि वो अभी वर्तमान में जो कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, इस बीच अपने कारनामे बंद कर, परंतु वो उससे और ज्यादा भावावेश की स्थिति में आ गए और उसके बाद जो उन्होंने अभद्रता की। पंजाब के फिरोजपुर तहसील में जीरा के गांव में सनेर सरकारी प्राइमरी स्कूल में हर साल की तरह सालाना इनाम समारोह किया गया, जिसमें बच्चों ने कोरियोग्राफी गीत संगीत कार्यक्रम पेश किया। प्रोग्राम बाबा साहब पी ट्रस्ट के सहयोग से करवाया गया। हमारे संवाददाता हरजीत सिंह सनेहर से बात करते स्कूल के हेड टीचर प्रेम से। इंसान बच्च जज्बा होना चाहिए, हर कोई अपने लिए तो कम करता है, कुछ इस समाज से अजिहे इंसान हैं जो मिसाल पैदा करते हैं। इवें सरकारी स्कूल सनेर बच्च जो स्टाफ स्कूल दे बच्च उन्हें अपने लिए तो कम कर रहे हैं, पर वो जो समाज लिए कम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तो जानते हैं, उन्होंने जो स्कूल की दिक्कत अगे वधाया वा, उन्होंने ये की जज्बा उन्होंने अंदर वो कि भावना जिद स्कूलता की इन्नी सुंदरता वाल जा रहे। सर आम पता लगा कि जो भी स्टाफ ज मुलाजम होंगे वो अपने लिए काम करते, सर उन्होंने अपनी तनखाह मतलब हों, पर पता लगा भी इतने जो तुम काम करा रहे बड़ी हिम्मत योजना करा रहे हैं, इस स्कूल का जो काम करा रहे हैं वो तो अंदर जो प्रेरणा है वो किस तरह थोड़े दिमाग के बच्चे जा थोड़े मन के बच्चे? मैं 2011 12 दिसंबर 2001 में ज्वाइन किया, मैं जो शुरू तो ज्वाइन किया ना उस दिन तो ही मेरे अंदर मतलब पढ़ाई के संबंध में बच्चों के संबंध में बहुत ज़्यादा मतलब भी क्यूरियोसिटी सी कि मैं बच्चों मैं तो चलो बड़िया तंगी खुशियों पढ़िया, पर मैं ये हों कि मैं बच्चों वो तो वह शिक्षा देव
और बच्चे बह गुजर साढ़े अज लुधिया लैवल से और बच्चे डॉक्टरी लैन बहुत ज्यादा पहुंची हुई जेटा तुम इतने काम करवा रहे ये तो है अंदर जज्बा है पर वो जो पैसा आ रहा वो कितों आ रहा हाँ जदों मैं इतने 9 अगस्त 2019 ज्वाइन किया तो मैं जदों आके पहला नंबर से हरजीत सिंह होरां नाल मेरी शुरू तो ज काफ़ी परिवार रिलेशन सी तो मैं इन्हों जो इन मिले इन्होंने पूछा जाके भी अपने स्कूल का थोड़ी बिल्डिंग का काफ़ी खस्ते हालत में हो चुकी सी तो फिर इन्होंने मैनू सीर सिंह का नाम दसिया अपने कुलदीप सिंह का नाम दसिया और भी एक पुष्कर के सज्जनों को दसिया तो मैं इन्होंने जाके मिलया और उन्होंने मैनू इन्ना क सहयोग दिता अज बिल्डिंग की जी नुहार ही बदल गई आ और आने वाले समय के जो जो कि अपने स्कूल के कंप्यूटर लैता आ नवे LED लैके दी सू नवे नवे कटौने लैके दते और बहुत स्कूल का बहुत सारा समान सूँ लैके दे रहा जिस करके साढ़े स्टाफ बहुत मेहनती होने के सदका और बाद बच्चे जोड़े वो पढ़ाई के बहुत उपर लैवल पहुँच चुके गल पैसा ट्रस्ट थोड़ी मदद कर रहा हाँ साढ़े जरा अपने संत बाबा नाथ सिंह जी सुनेरा वाले ट्रस्ट वालों साढ़े जो जो भी पैसा जरा सा आ रहा आ वह लाए जा रहे हैं अपने नसीब सिंह के सहयोग के नाल ये सारा कुछ साढ़ा ये तो पैसा लग रहा है जी स्कूल की जो नुहार बन रहे हैं ये स्टाफ वालों बड़ी मेहनत ना स्टाफ में लैके बच्चों के दिल दिन गिनती उधार रहे हैं साडा स्टाफ बहुत मेहनती आ क्योंकि मेरे को क्लासा गया मैं देखा बच्चे बड़े वधिया मतलब कि अपने तोदे तरह टैक रहे मतलब बहुत वधिया होशियार बच्चे से कल मेरे सदका नहीं मेरे स्टाफ जो बहुत ज़्यादा मेहनती स्टाफ मेहनती रहने पर बच्चे पेरेंट्स सहयोग दे रहे हाँ बच्चों के जो पेरेंट्स सू बहुत सहयोग दे रहे हैं और जो भी बच्चों बुलाने तो वो बच्चों के नाल आते और बच्चों घर भी पढ़ाते हैं तो माँ प्यो वालों सू पूरा सहयोग मिले तो कुछ सरकार वालों जी अफसरसाई वालों को सहयोग मिल रहा है सरकार वालों जदों मैं पहला ज्वाइन किया 2019 उस वे तो सहयोग बहुत सी पर हूँ लगभग घट ना इन्हों का कहना जो भी असी अपनी मेहनत सदका ट्रस्ट में मिले हाँ वो ट्रस्ट बाबा जरा पीर के नाते चल रहा वा उस ट्रस्ट ने साड़ी इन्नी मदद की आ एक स्कूल नू गोद लैके उस स्कूल नू बहुत ही वधिया ढंगड़ा बनाउण दे इन्हां नू विश्वास दवाया जदों कि इत्थे कुछ टाइम दे विच कुछ 4-4.5 लाख रुपया ला चुके आ पर कम जारी है कुछ टाइम दे विच ही इस नू जिले दे उपर नहीं पंजाब दे विच एक नंबर दा स्कूल बनाउणा बाबा जी ने इन्हां नू बड़ा विश्वास दवाया वा इन्हों का स्टाफ जोड़ा है बड़ा मेहनत गिना जाता वा तो स्टाफ के दिन दिन जो स्टूडेंट आगे तरक्या वाल वह हैं हरजीत सिंह सनेर गुरनाम सिंह वरोला की रिपोर्ट खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ धन्यवाद।